नमस्कार, मैं मीना लेमेनेस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बढ़ेगी 10% सीटें। कई और रेलवे स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, क्या आपका शहर भी इस लिस्ट में है? पार्टी से लौट रहे कर्मचारियों से भरी निजी बस पलटी, 35 घायल। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बढ़ेगी 10% सीटें। विश्वविद्यालय 25% सीटों की संख्या दो चरणों में बढ़ाएगा। पहले चरण में 10% और दूसरे चरण में 95% सीटें बढ़ाई जाएगी। आगामी शैक्षणिक सत्र से दिल्ली विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए 90% सीटें बढ़ाने का विचार कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए 2019 से आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में 25% सीटें बढ़ाने का आदेश दिया है। कई और रेलवे स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम। देश में कई रेलवे स्टेशनों के नाम जल्द ही बदलने वाले हैं। पिछले दिनों मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय करने के बाद रेलवे में इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज करने की औपचारिकता भी पूरी कर ली है। जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। राज्य सरकारों और सांसदों से लगातार मिल रहे हैं इस तरह के सुझाव पर काम करने में रेलवे को खासी दिक्कत आती है, इसलिए रेलवे ने एक साथ देश भर के कई रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का फैसला किया है। पार्टी से लौट रहे कर्मचारियों की भरी बस पलटी, घायलों को इलाज के लिए पंचकुला के सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के सोलर जिले के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ की एक निजी फार्मा फैक्ट्री की बस पिंजौर के पास चरनिया में पलटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह निजी बस जीरकपुर में चल रही एक पार्टी से वापिस नालागढ़ की ओर आ रही थी। जैसे ही बस पिंजारे के चरनिया के पास पहुंची तो ट्रक के चपेट में आने के कारण बस सड़क पर ही पलट गई। सड़क हादसे में बस में सवार करीब 35 लोग घायल हुए हैं और इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगामी जांच शुरू कर दी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।